1 जुलाई को दिल्ली में गर्मी ने पिछले 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अभी हमें जानने को मिला कि 1 जुलाई को दिल्ली का न्यूनतम और अधिकतम तापमान कितना रहा। अब हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि किसी शहर का तापमान कैसे नापा जाता है, क्या सिस्टम होता है, क्या शहर में जगह जगह लगे वेदर स्टेशन तापमान का एवरेज निकालते हैं, वगैरह वगैरह। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने बात की भारतीय मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने और मौसम की जानकारी देने वाली प्राइवेट कंपनी स्काईमेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत से। उन्होंने बताया कि किसी भी शहर के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को थर्मोमीटर से नापते हैं। इसके लिए शहर में ऑब्जर्वेटरी होती है, मौसम विभाग, एयरफोर्स और प्राइवेट संस्थानों की। यहाँ एक स्टीवनसन स्क्रीन होती है, इसकी फेसिंग नॉर्थ की तरफ होती है, जिससे किरणें डायरेक्ट उसके अंदर नहीं पड़ पाती। स्टीवनसन स्क्रीन को किसी भी स्ट्रक्चर से कम 10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, ताकि सूर्य के प्रकाश में कोई बाधा ना आए। इसे पृथ्वी की सतह से कम 1.2 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है, क्योंकि सतह पर मौजूद घास या खुद सतह के तापमान और 1.2 मीटर ऊंचे यंत्र के तापमान में 6-7 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाता है। स्टीवनसन स्क्रीन में 4 थर्मोमीटर लगे होते हैं, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर्स। ड्राई बल्ब थर्मोमीटर लगातार टेम्परेचर बताता है। जो सेंसर होते हैं उनमें देखा जाता है कि कहीं उनमें एरर तो नहीं है। मान लीजिए कि 4 थर्मोमीटर लगे हैं और चारों में अलग अलग टेम्परेचर आ रहा है, तो फिर वो एरर हो जाएगा। एक्चुअल टेम्परेचर वाले थर्मोमीटर के साथ उसे सेट किया जाता है, कई दिनों तक कंपेयर किया जाता है। अगर उसमें कुछ एरर है तो उसे नोट कर लिया जाता है। आजकल ऐसे भी सेंसर आ गए हैं जिन्हें ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यानी AWS कहते हैं। इनमें RTD यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर सिस्टम लगा होता है, जो हर सेकंड होने वाले तापमान के बदलाव को भी रिकॉर्ड कर लेता है। इससे तापमान के आंकड़े और सटीक आते हैं। अब बताते हैं कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान कब नापते हैं। महेश पलावत का कहना है कि मैक्सिमम टेम्परेचर शाम को 5:30 बजे नापा जाता है, क्योंकि तब तक तापमान मैक्सिमम पहुंच चुका होता है। वहीं अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो इसे सुबह 8:30 बजे नापते हैं, क्योंकि सूरज उगने से कुछ देर पहले ही तापमान सबसे कम होता है। अब सवाल ये आता है कि किसी शहर का तापमान कैसे बताते हैं। इसके लिए किसी भी शहर की एक विशेष ऑब्जर्वेटरी के तापमान को बेंचमार्क माना जाता है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ का ऑब्जर्वेटरी बेंचमार्क सफदरजंग है। दिल्ली में कई जगहों पर तापमान नापने वाले सेंटर हैं, जैसे पीतमपुरा, लोधी रोड, पालम, लेकिन इन सब की रीडिंग नहीं मानी जाती। ऐसे ही हर शहर में एक विशेष ऑब्जर्वेटरी होती है, उसे मानते हैं। इसे चुनने के पीछे कोई खास वजह तो नहीं होती है। शहर में कई सारे डेटा पॉइंट होते हैं और हर जगह कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता ही है, इसलिए एक ऑब्जर्वेटरी को चुन लिया जाता है। हमने शुरुआत में आपको बताया था और जिक्र किया था कि 1 जुलाई को दिल्ली में गर्मी ने पिछले 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका पता मौसम विभाग के पास पड़े डेटा से लगाते हैं। मान लीजिए 1 जुलाई 2021 को दिल्ली का तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस रहा हो, तो ये देखा जाएगा कि पिछले 100 सालों में 1 जुलाई के दिन तापमान कितना रहा, फिर तुलना कर बताएंगे कि रिकॉर्ड टूटा या बना। अब एक और सवाल आता है कि मोबाइल में कल का तापमान कैसे आ जाता है। ये फोरकास्ट होता है। स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने हमें बताया कि ज्यादातर स्मार्टफोन कंपनियों का अमेरिका की एक मीडिया कंपनी AccuWeather से टाइप है। ये पूरी दुनिया में मौसम की भविष्यवाणी से जुड़ी सर्विसेज देती है। इसके डेटा के आधार पर फोन पर मौसम की जानकारी मिलती है। महेश ने यह भी बताया कि जियो के साथ स्काईमेट का टाइप होने वाला है, यानी जियो के फोन में भी स्काईमेट वेदर के जरिए मौसम की जानकारी मिलेगी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। शुक्रिया।